काफी शूटिंग बंगाल में हुई थी. हमने शांति निकेतन में शूटिंग की, महिषादल में शूटिंग की. शांति निकेतन इज अ प्लेस दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गो, तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू कोलैबोरेट विद हिम अगेन. बीबीसी स्टूडियोज के साथ मैंने दो सीजन्स किए हैं आउट ऑफ लव के, एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी. कोई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ कह सकते हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को आप इतनी आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते. उनका एक ऑरा होता है, उनकी एक प्रेजेंस होती है कि आपको ये नहीं पता कि ये औरत एग्जैक्टली कहाँ से आई है, क्या कर रही है, यू नो. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा, और रसिका दुगल की भी कोई मिस्ट्री है जो लोगों को नहीं पता है? ये इतनी बार ये सवाल पूछा गया मुझसे कि अभी ऐसा कुछ रही नहीं गया जो मैंने लोगों को बताया ना हो. के साथ हर समय से काम करने का मन था, बिकॉज आई वर्क विद सच इंटरेस्टिंग एक्टर्स, इरफान के साथ, नवाज के साथ. उस वक्त की बात है कि प्रोड्यूसर्स ने बोला कि शी इज नॉट वेल नोन इनफ, यू नो, शी इज नॉट सेलेबल इनफ, जैसे कई बार एक्टर्स के बारे में बोलते हैं. हाय एवरीवन, आई एम दिव्या एंड यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव. आज मेरे साथ रसिका दुग्गल है और ये उस हर जगह पाई जाती है जहाँ क्राइम हो रहा होता है, पता नहीं कैसे. हेलो इस बार तो मैं रसिका क्राइम जी, सॉल्व कैसी हो करने आप? आई ये आपका क्या ऑब्सेशन है? मिर्जापुर हो, दिल्ली क्राइम, सो आप हर उस जगह होती है जहाँ कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होती है. हूँ. अच्छा है ना, कोई लोग क्रिमिनल्स होते हैं, कोई लोग होते हैं जो समाज को सुधारने में लगे होते हैं, तो आई एम ग्लैड दैट आई एम ऑन दैट साइड ऑफ इट. अच्छा, ओके. टॉकिंग अबाउट शेखर होम, सबसे पहले तो मैंने अभी ट्रेलर देखा था उसका थोड़ी देर पहले ही, और कुछ पढ़ा भी उसके बारे में. सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इज इट लिटरली द अडेप्टेशन ऑफ शेरलॉक होम, और देर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस? इट्स इंस्पायर्ड बाय स्टोरीज ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. सो ईच एपिसोड इज अ डिफरेंट केस एंड अ डिफरेंट स्टोरी विच शेखर एंड जयव्रत आर ट्राइंग टू सॉल्व, समटाइम्स विथ हेल्प एंड समटाइम्स विदाउट. सो इट्स बेस्ड ऑन कॉनन डॉयल स्टोरी. ओके. अच्छा, क्योंकि ये बंगाल पे बेस्ड है तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई है? वो भी बंगाल में हुई? काफी शूटिंग बंगाल में हुई थी. हमने शांति निकेतन में शूटिंग की, महिषादल में शूटिंग की. एंड शांति निकेतन इज अ प्लेस दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गो. मैं जमशेदपुर में पली बड़ी हूँ, लेकिन और बहुत बार ही हम सुनते थे कि कुछ आर्टिस्टिक करना है तो शांति निकेतन जाओ, वहाँ पे मतलब बहुत शांति और चैन मिलता है और एक क्रिएटिव माइंड के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है. लेकिन कभी जाना नहीं हो पाया. आई वॉज वेरी हैप्पी कि शूट के सिलसिले में शांति निकेतन देख आई मैं. बहुत ही प्यारा सा शहर है, और जो सुना था उसके बारे में वो सही है कि वहाँ पे एक तरह का चैन है, एक तरह की आर्टिस्टिक फीलिंग है. रविंद्रनाथ टैगोर का म्यूजियम है वहाँ पे बहुत सुंदर, तो वो वहाँ पर भी मैं गई. और मुझे बंगाली खाना बहुत पसंद है, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. ओ, ओके. जब खैर आपको शेखर होम के लिए अप्रोच किया गया या जो भी ऑडिशन प्रोसेस था, जो भी था, तब कैसा रिएक्शन था जब पहली बार स्क्रिप्ट सुनी? द सीरीज इज डायरेक्टेड बाय श्रीजीत मुखर्जी एंड रोहन सिक्की. एंड श्रीजीत ने के साथ में पहले एक फिल्म करने वाली थी, लेकिन वो हो नहीं पाई. कुछ डेट्स का मसला हो गया था. तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू कोलैबोरेट विथ हिम अगेन. बीबीसी स्टूडियोज के साथ मैंने दो सीजन किए हैं आउट ऑफ लव के, एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी. So, because I headlined that show, and I was very happy to reconnect with them and work with them again. Also, ये कैरेक्टर मुझे मजेदार लगा. एक होता है कि कोई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ कह सकते हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को आप इतनी आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते. उनका एक ऑरा होता है, उनकी एक प्रेजेंस होती है. तो आई थिंक इरावती का एक ऑरा है, उसकी एक प्रेजेंस है. तो वो जो कर रही है, जो कह रही है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उसके कमरे में रहने से जो एटमोसफेयर क्रिएट होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो वो कैरेक्टर्स ऑलवेज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. और एक मिस्ट्री है उसके बारे में, एक कि आपको ये नहीं पता कि ये औरत एग्जैक्टली कहाँ से आई है, क्या कर रही है, यू नो. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. ये तो आज तक कोई बीना के बारे में नहीं पता लगा पाता कि क्या मिस्ट्री है, तो हीरावती के बारे में कहां से पता नहीं लगाएंगे? नहीं इन दोनों की मिस्ट्रीज थोड़ी अलग है. हाँ, टीना की तो मतलब पता है कि बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन इरावती का ऐसा नहीं है. मतलब एक ठहराव है,
वो कनिंगनेस नहीं है, वो मैनिपुलेशन नहीं है। अच्छा, और रसिका दुगल की भी कोई मिस्ट्री है जो लोगों को नहीं पता है? ये इतनी बार ये सवाल पूछा गया मुझसे कि अभी ऐसा कुछ रह ही नहीं गया जो मैंने लोगों को बताया ना हो। अच्छा नहीं, रसिका इज एन ओपन बुक, आई हैव नो मिस्ट्रीज। और जितनी कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आमतौर पर लोगों को आपके बारे में पता नहीं होता, इन सवालों की वजह से शायद मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तभी तो कोई की मिस्ट्री नहीं रह गया। अच्छा टॉकिंग अबाउट योर को एक्टर्स, के मेनन सर, विच इज अ ब्रिलियंट एक्टर. मैंने या रिसेंटली उनकी रेलवे मैन देखी थी, एंड आई वाज सो सो इन लव विद द कैरेक्टर, विद हिम. रणवीर शौरी हो हजारों या ख्वाहिश है ऐसी के टाइम से उनकी फैन। मतलब वो तो तब से ही है, लेकिन मैं रिसेंट बात कर रही हूँ कि मैंने रेलवे मैन देखी थी, ही वाज सो गुड इन दैट टू. प्लस रणवीर शौरी हु इज इन बिग बॉस राइट नाउ. कैसा था इनके साथ काम करना? रणवीर के साथ तो मैं पहले काम कर चुकी हूँ, लूट केस एक फिल्म थी जो हमने की थी एक साथ, और थिएटर के दिनों में भी हम काफी जान पहचान है, हम मिलते रहते थे। के साथ हर समय ऐसे काम करने का मन था, बिकॉज आई वर्क विद सच इंटरेस्टिंग को एक्टर्स, इरफान के साथ, नवाज के साथ। मुझे लग रहा था उस लिस्ट में बस के मेनन और मनोज बाजपेयी रह गए हैं। क्योंकि नवाज, इरफान, पंकज, इन सबके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, एंड दे ऑल सच लवली एक्टर्स। तो मेरा ये मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इट वॉज ऑलवेज अ अच्छा डिजायर टू वर्क। अच्छा ऑफसेट कैसा था? ऑफसेट क्या मतलब, मस्ती मजाक होता था या फिर कैसा सीरियस माहौल रहता है? नहीं, ऑफ सेट एंड ऑन सेट वो तो के और रणवीर को आप एक साथ देख लो, तो वो ऑन सेट एंड ऑफ सेट दोनों वो मस्ती हो रहा था, ऑन शॉट भी मस्ती हो रही होती थी, बिकॉज द ओके कैरेक्टर्स अलाउ फॉर दैट, द स्टोरी अलाउज फॉर दैट। यू नो, शेखर के बहुत सारे क्वर्क्स हैं जो बहुत फनी है, जो आपने शायद ट्रेलर में भी देखा होगा। और उन दोनों का जो तालमेल है, उनकी जो फ्रेंडशिप है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द कामराडरी दैट दे शेयर्ड ऑफ स्क्रीन, वो भी वो अच्छे से निकल के आया है शो में, मेरे हिसाब से। ओके टॉकिंग अबाउट, एज यू मेंशन श्रीजीत के बारे में एंड रोहन सिप्पी, तो श्रीजीत के साथ आपको काम करना था, ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट डायरेक्टर. रोहन सिप्पी के साथ काम करना कैसा लगा? एक्चुअली रोहन के साथ मैं एक दूसरा शो ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, अच्छा. तो और इसके आसपास ही शूट किया था मैंने वो शो। रोहन के साथ तो मुझे लग रहा था 4 महीने में रोहन के साथ ही काम कर रही हूँ, क्योंकि दो शोज बैक टू बैक हो गए। हाँ रोहन इज अ वेरी लवली एंड अ वेरी रिलैक्स डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर की ये खासियत होती है कि वो एक्टर को ये बिलीव करने देते हैं कि वो आइडिया उनका था, जबकि एक्चुअली आइडिया डायरेक्टर का था। सो रोहन इज दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर हु लेट्स यू फील कि हाँ, ही टेक्स यू टू द आइडिया, यू नो, ही डजंट टेल यू द आइडिया। तो एंड इज अ वेरी रिलैक्स डायरेक्टर, ही इज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो अगर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो डायरेक्टर का, तो शूटिंग का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है सबके लिए, सिर्फ एक्टर के लिए नहीं। अगर आपके कैरेक्टर की बात करें जो ट्रेलर में थोड़ा आगे जाके दिखाया गया, अगेन वही बड़े मिस्टीरियस सेटअप पे आपकी झलक दिखाई गई है ट्रेलर में, इरावती कैसी है? इरावती और रसिका कितनी अलग है, और या फिर कितनी सेम है? दोनों में क्या सेम है, क्या अलग है? मतलब जो मिस्ट्री मैं अपने बारे में रखना चाहती हूँ और नहीं रख पा रही हूँ ना, वो इरावती अपने बारे में रख पा रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप उनसे मिलो तो समथिंग वेरी नाइस अबाउट देम, एंड आपको उनकी लाइफ के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि देखने में अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो अपने बारे में सब कुछ बता नहीं रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऑरा है उनके बारे में। सो आई थिंक इरावती इज दैट, आई एम नॉट दैट, मैं जाके बोल देती हूँ जो भी बोलना है। आई अच्छा कुछ भी और कुछ सिमिलर नहीं है इरावती और रसिका में? थिंक एक लव फॉर म्यूजिक है उसका, जो जो मतलब शी इज अ म्यूजिशियन, हाँ, तो वो तो सिंगर है, लेकिन मुझे जो सिंगर्स होते हैं उनकी उनको देख के बहुत मजा आता है। एक एस्पिरेशन होती है मेरे अंदर कि अगर मैं ये भी कर सकती लाइफ में एक्टिंग के अलावा, तो कितना कितना अच्छा होता, कितना खूबसूरत होता, लेकिन वो टैलेंट है नहीं मुझ में। और मैंने काफी बार म्यूजिक सीखने की कोशिश की है, और अच्छा, ऐसे बुरा नहीं है, मेरी आवाज बुरी नहीं है, लेकिन वो कभी मौका नहीं मिला अच्छे से सीखने का और इसको ठीक से परस्यू करने का, यू नो। तो वो डिजायर, आई थिंक मे बी द लव फॉर म्यूजिक इज कॉमन।
ओके ओके, क्योंकि मुझे हेड्स अप आ गया तो मुझे अपना लास्ट क्वेश्चन लेना पड़ेगा। रसिका जी, आपने मेंशन किया था 1-2 महीने पहले एक इंटरव्यू में कि 5 बार ऐसा हुआ है कि आपको प्रोड्यूसर्स ने बोला है कि आप इस रोल के लिए फिट नहीं हो रही हैं, इसके लिए आप सुटेबल नहीं है, और आपको हटा दिया गया है। कैन यू प्लीज टेल व्हाट वाज दैट, और क्या था मतलब एग्जैक्टली, और जब हुआ तो कैसा लगा? That was about a very specific time in my life between 2012 and 2015. एक फिल्म की थी मैंने किस्सा, जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी लेकिन उसको बहुत ही लिमिटेड रिलीज मिली थी बॉम्बे में. इरफान थे उस फिल्म में, टिस्का तिलोत्मा थी. और उस फिल्म के बीच में और मंटो के बीच में, जो मैंने नवाज के साथ की थी 2016 में, वी हैड स्टार्टेड वर्क ऑन मंटो, उन दो फिल्मों के बीच में मेरे पास 5 ऐसे ऑफर्स, मतलब ऑलमोस्ट डायरेक्टर्स की तरफ से आए थे कि आप, वी वुड रियली लाइक यू टू प्ले दिस पार्ट. एंड ऑल दो स्क्रिप्ट्स वर वेरी लवली एंड दे वर वेरी गुड रोल्स, दे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन उस वक्त की बात है, अब की बात नहीं है थैंकफुली. उस वक्त की बात है कि प्रोड्यूसर्स ने बोला कि शी इज नॉट वेल नोन इनफ, यू नो, शी इज नॉट सेलेबल इनफ, जैसे कई बार एक्टर्स के बारे में बोलते हैं प्रोड्यूसर्स खास करके. सो दैट टाइम वाज डिफिकल्ट. एंड उस वक्त मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, यू नो, क्योंकि डायरेक्टर को काम पसंद है. अब मैं इस सिचुएशन को बदलने के लिए मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ, यू नो. सो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन वेयर आई गॉट स्टक. आई डिडंट नो, यू नो, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू चेंज दिस फॉर माय सेल्फ. So, हाँ, but then the streaming services came and things changed for me. ओके फाइन कूल, सो लेट्स एंड द इंटरव्यू हियर। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मैं शेखर होम का वेट कर रही हूँ, जैसे आएगा देख लूंगी, रिव्यू कर दूंगी आई और लुक फॉरवर्ड टू यू आपको ही वॉचिंग. पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू टॉकिंग टू दीपा, अस। थैंक यू. फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।